युवाओं की पढ़ाई में मदद के लिए पुलिस प्रशासन ने एक नई पहल की है। पुलिस ने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सुपर 50 की नई उड़ान शुरू की है, जिससे युवाओं को पढ़ाई में बहुत मदद मिलेगी। डिंडोरी प्रशासन ने युवाओं के लिए सुपर 50 की नई उड़ान की पहल की। पुलिस की पहल से युवाओं को पढ़ाई में बहुत मदद मिलेगी, उन्हें कोचिंग संस्थाओं में भटकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पुलिस प्रशासन का कहना है, क्षेत्र के बच्चे पढ़ाई के लिए ना भटकें और उनको कम पैसे में बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिल जाएं, उनके लिए ये पहल की गई है। हम लोग भी चाहते हैं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे बच्चे, हमारे जिले से और अधिक बच्चे चयनित हों और हमारे बच्चों को दूर दराज के यहाँ से निकल के दूर के शहरों में ना जाना पड़े। इसके लिए जो यहीं पर स्थानीय शिक्षण उपलब्ध है उससे हमने जोड़कर एक ये हमने बच्चों के लिए क्लास शुरू की। ये बहुत ही नॉमिनल है, इसमें कोई फीस नहीं है, केवल हम लोग जो है 300 रुपये की मिनिमम फीस रख रहे हैं, जिसके बच्चों को हम जो पेपर दिलाएंगे बाकी चीज़ें उसका रख रहा है। और ये केवल 45 दिन की क्लासेस हैं। इसमें जो स्थानीय संस्थाएँ उनका भी सहयोग ले रहे हैं हम लोग, और ये इसमें आज अपने बच्चों को उसकी पहली ब्रीफिंग की है। और 45 इसमें हम लोग ये भी कर रहे हैं कि 50 बच्चे एग्ज़ाम लेके चयनित कर रहे हैं, उसमें से जो टॉप 10 बच्चे होंगे उनको हम लोग निःशुल्क रखेंगे और बच्चों को उस मिनिमम जो 300 रुपये की फीस है उसके अलावा कोई शुल्क नहीं देना है, बाकी सब कुछ हम लोग अपना बियर करेंगे। और इसके पीछे लक्ष्य एक ही है कि विभिन्न एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ अलग अलग होती हैं, और हम लोग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम्स हैं जो एग्ज़ाम अक्टूबर तक होने वाले हैं उनकी तैयारी करा रहे हैं, फिर इस तरह से हम एग्ज़ाम के 2 महीने पहले शुरू करते जाएंगे ताकि हमारे बच्चे अलग अलग बड़े बड़े शहरों में ना भटके और बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस के चुंगल में फंस के उनका बड़ा पैसा खर्च ना हो। जिला प्रशासन के द्वारा सुपर 15 की नई उड़ान का प्रारंभ किया जा रहा था, कलेक्टर ऑडिटोरियम में इनिशिएटिव था आज, जिस वजह से मैं यहाँ पे आया हुआ था। इस सुपर 50 की नई उड़ान में हम लोग का उद्देश्य है जो जिला प्रशासन का कि जो जिले की नई सारी जो पुरानी या नई जो जो भी प्रतिष्ठित संस्थानें हैं उन सभी को मिलाकर जो और अन्य जो अधिकारी हैं जो आगामी वर्षों में जो चयनित हुए हैं उन सभी के द्वारा बच्चों को मार्गदर्शन दिलाया जा रहा है, इसी सुपर 50 का उद्देश्य। उड़ान कोचिंग की जो नई पहल कलेक्टर सर द्वारा चलाई जा रही थी उस चीज़ का अनुभव लेने के लिए आई थी। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा इस चीज़ के बाद, कलेक्टर सर ने आके अपनी अनुभवों को साझा किया और बहुत सारे प्रतीक्षित जो टीचर थे उन्होंने अपने अनुभव को बताया क्या कैसा करना चाहते हैं। इस नई उड़ान के तहत उन्होंने सुपर 50 चालू किया है और वो डिंडोरी के अंदर सभी युवाओं को प्रेरित करना चाहते हैं कि अपने आगामी एग्जामों को अच्छे से दे और प्रशिक्षण प्राप्त करें। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।